हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लाइमेटिक सिस्टम्स इन इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। इंडिया में किस टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। क्लाइमेट्स को समझने के लिए हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में थोड़े जो फैक्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। इंडिया जो है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे फैला हुआ है, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ का भी इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट साइड पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, और साउथ में इंडियन ओशन है। उसके अलावा टोपोग्राफिकल फीचर्स में इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन्स है इन द नॉर्थ, जो कि जो साइबेरिया से हमारे जो कोल्ड वेव्स आते हैं उनको रोकता है। उसके अलावा हमारे पास फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स है जो एलोवेल सॉइल जिनमें पाई जाती है, और उसके अलावा हमारे पास कोस्टल प्लेन्स भी हैं अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। उसके अलावा हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, एंड उसके नॉर्थ में इंडिया में जो सदर्न पार्ट है इसमें डेक्कन प्लेटू पाया जाता है। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं जिनको हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप आइलैंड्स से जानते हैं। इंडिया का क्लाइमेट जो है बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें मानसून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मानसून दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून से सितंबर के दौरान जो है यहाँ पे बारिशें लाता है इंडिया में, एंड उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान बारिशें लाता है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी फैक्टर्स है, जैसे हिमालयन रेंज जिसमें प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स जो है यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही जो है तरीकों से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि कोल्ड वेव्स जो सेंट्रल एशिया से आते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हिमालयन रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो हिमालयन रीजन भी बहुत सारे जो है रेंज्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोरकरम, वेस्ट वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये इंडिया को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड वेव्स फ्रॉम द जैसे चाइना या मंगोलिया साइड से जो आते हैं। उसके अलावा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का एक सिग्निफिकेंट रोल है बिकॉज इंडिया जो है जो इसका जो साउदर्न पार्ट है इज कवर्ड बाय द इंडियन ओशन, तो ये टेम्परेचर को मॉडरेट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून्स भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा टोपोग्राफी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया गया किया जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स जो भी कोस्टल रीजन्स आते हैं, उसके अलावा थार डेजर्ट है इस वाले रीजन में कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, एंड देन दिस इज़ द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गैंजेस आती हैं एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है, और यहाँ इसी रीजन में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है स्टार्ट हुआ था। अगर हम इनर्शियल देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडिया का क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस करता है, फर्स्ट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो कि मैंने अभी बताया था कितना डाइवर्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंडिया में फैला हुआ है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना भी सी के नज़दीक होगा कोई लैंड उससे जो है मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है कि रेनफॉल ज़्यादा होती है, जो है टेम्परेचर वेरिएशंस कम रहती हैं, एंड देन ओशन करंट्स जो भी अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से ओशन करंट्स आती हैं, या यहाँ इनसे पैदा हुए जो साइक्लोन्स पर्टिकुलरली जो सी सरफेस से साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उसकी वजह से भी जो है क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है। देन विंड सिस्टम्स, वेरियस जो है लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज जिसकी वजह से भी जो है इंडिया में क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में किस किस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स जो पाए जाते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो
इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, प्रोनाउंसड वेट एंड ड्राई सीजन्स एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी भी ज़्यादा रहती है एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड दीज आर यूजली जो ये है इक्वेटर के बहुत करीब रहते हैं, अराउंड 8 डिग्री। देन इसकी इस इंडिया में कौन कौन से रीजन जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम भी जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, जिसमें इस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हाई टेम्परेचर, ड्राई एंड वेट स्पेल ज़्यादा रहती हैं एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स है डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन्स एंड हॉट समर्स एंड रिलेटिवली कोल्ड विंटर्स एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड मॉडरेट टू लो रेनफॉल। तो इसमें जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कुछ जो है यूपी के पार्ट्स आते हैं, और इसमें पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी में है, दैट इज अल्पाइन क्लाइमेट। इसके करेक्टरिस्टिक्स है कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, स्नोफॉल होता है विंटर्स में एंड लिमिटेड वेजिटेशन ड्यू टू हार्श कंडीशन, जिसमें हिमालयन रीजन, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी आता है, और कुछ हायर एलिवेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे तवांग वगैरह रीजन में आता है। एंड देन डेजर्ट क्लाइमेट, जिसमें एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स होते हैं ड्यूरिंग डे एंड रात में बहुत ठंडी रहती है, रेनफॉल्स भी बहुत कम होते हैं, और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो कि गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। और उसके अलावा कोस्टल क्लाइमेट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, दैट इज मॉडरेट टेम्परेचर्स, बिकॉज जो है ये समुद्र के आसपास रहते हैं कोस्टल एरियाज, इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द सी, और इसमें रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, जैसे मुंबई, केरला के कोस्टल रीजन्स आते हैं एंड ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के भी कोस्टल रीजन्स आते हैं। तो जो कि हमारा इंडिया में जो कोस्टल लाइन है दैट इज़ अराउंड 75,000 किलोमीटर्स, तो वो पूरा इस जो है कोस्टल क्लाइमेट में आता है। देन सेमी एरिड काइंड ऑफ क्लाइमेट, जिसमें हॉट टेम्परेचर्स विद स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल होता है, ड्राई कंडीशंस फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ईयर होता है। देन इसमें कुछ जो है पार्ट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ नॉर्दर्न कर्नाटका जो है ये रीजन्स आते हैं। अब हमारे पास जो सीजनल वेरिएशंस है इंडिया में, इसमें समर जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्च टू जून, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द कंट्री, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सेंट्रल इंडिया में जो है इंटेंस हीट वेव्स पाई जाती हैं एंड नॉर्दर्न साउदर्न रीजन में रिलेटिवली माइल्डर टेम्परेचर्स होते हैं, बट ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड सर्टन क्रॉप्स जो है, जो भी खरीफ एंड रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग या सोइंग वगैरह होता है, वो इसी सीजन में होती है। देन इसमें इम्पैक्ट क्या है, इसमें वाटर स्कैरिसिटी होती है कुछ रीजन्स में, एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज जो है हॉट समर्स होते हैं तो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, और समर टूरिज्म जो है ज़्यादा होता है हिल स्टेशंस में, जो कि हीट वेव से बचने के लिए जो है लोग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंडिया में मॉनसून सीजन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जून टू सितंबर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, तो जो बेसिकली पूरे इंडिया में जो है हेवी रेनफॉल जो है लाता है, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में, तो वो मोस्ट ऑफ द जो है पीरियड जो है मानसून पे ही डिपेंडेंट रहती है, तो ये पूरे जो भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है उसको फिर से भर लेता है, रिप्लेनिश करता है। तो इससे क्या इम्पैक्ट है, हमारा जो एग्रीकल्चर है पर्टिकुलरली रेन फेड एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन दिस मानसून, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। तो इसमें फ्लड्स भी आने के चांसेस है बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा होता है, रिजर्वर्स में भी पानी ज़्यादा आता है।
उसके बाद हमारे पास पोस्ट मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून जो कि अक्टूबर से नवंबर चलता है, तो इसमें विड्रावल ऑफ मॉनसून वेंड्स, ग्रेजुअल रिडक्शन इन रेनफॉल जो कि जो है सितंबर के बाद ही जो होता है, तो इसमें कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्रॉपिंग वगैरह होता है सेकेंड सीजन के लिए, टेम्परेचर्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास विंटर आता है दिसंबर से फरवरी तक, जिसमें कोल्ड वेदर होता है, ड्राई होता है विदाउट प्रेसिपिटेशन, और पर्टिकुलरली नॉर्थ नॉर्दर्न रीजन एंड हाई आल्टीट्यूड में जो है टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं, साउदर्न रीजन्स में थोड़ा सा जो है माइल्डर विंटर्स पाए जाते हैं। और इस दौरान हमारे पास हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स भी होता है, टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है हिल स्टेशन जैसे फॉर एग्जांपल स्नोफॉल, फॉग वगैरह जो है वो भी ज़्यादा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करता है। तो अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फिनोमेनन है इंडिया में, दैट इज़ द साउथ वेस्ट मानसून, जिस पे सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट रहती हैं इंडिया में। तो ये बेसिकली जून स्टार्ट, फर्स्ट जून से स्टार्ट होता है और ये सितंबर तक ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले केरला की कोस्ट में जो है मानसून का जो है आमद होती है, तो इसके साथ ही ये जो है बारिशें स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देन ग्रेजुअली ये जो मानसून है ये प्रोग्रेस होती है टूवर्ड्स द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडिया। तो धीरे धीरे फ्रॉम द साउदर्न टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये रेनफॉल जो है दिल्ली जो है नॉर्दर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह एंड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यहाँ पे प्राइमरी जो है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में इसमें वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि सबसे ज़्यादा इसमें बारिश होती है। अब इसमें कुछ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे जिसकी वजह से जो फार्मर्स ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके ऑन दिस मानसून, तो एडवोकेट मानसून होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द फरी खरीफ क्रॉप जो भी समर पास समर क्रॉप होता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इसका जो विड्रावल होता है धीरे धीरे बारिशें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देन ग्रेजुअली जो हमारे पास जो है बारिश कम हो जाती है टिल नवंबर। तो बट इसको कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे एलनीनो एंड लानीना, दैट इज़ बेसिकली द हीटिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, तो उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मानसून वेंड्स वो इन्फ्लुएंस होता है जैसे बारिश कम होती है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून बेसिकली जो है पूरे इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटका में बारिश लाता है, जो कि ये वापस जब विंड्स आती है फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन टू द साउदर्न रीजन, तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये बेसिकली जो हमारे पास ईस्टर्न घाट्स होते हैं उसकी वजह से, और हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनस होते हैं तो उसकी वजह से बारिशें होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला एंड उड़ीसा। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो इम्पैक्ट है ऑन एग्रीकल्चर, रबी क्रॉप्स इन द सीजन, इस सीजन में जो है कल्टिवेट किए जाते हैं, साइक्लोन्स जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून कैन ब्रिंग ऑल्सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो उसके अलावा इसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओशन जो है इंडियन ओशन डाइपोल, एलनीनो, साउदर्न ऑसिलेशन जो है इसको इसका बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी जो है क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है, तो ये हमारे पास क्या सबूत है या एविडेंस है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला जो है राइजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर जो दर्ज हरारत है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, और जो हीट वेव्स है वो भी दिन ब दिन हर साल बढ़ रही हैं। चेंजिंग इन रेनफॉल पैटर्न्स, जो हमारे पास टाइमिंग है, इंटेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या वाटर रिसोर्सेज वो मुतासर हो रहा है। उसके अलावा ग्लेशियर रिट्रीट, हमारे पास जो ग्लेशियर्स है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे
पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिवर्स में है पानी कम जो है हो रहा है, या एट द टाइम वो उसकी वजह से फ्लड्स भी हो सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है ऑन द एग्रीकल्चर कि टाइमिंग एंड जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो चेंज हो रहा है, पर्टिकुलरली द मॉनसून फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स वो भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, वो भी जो हमारे पास क्रॉप फेलियर जिनकी वजह से होता है और लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ एविडेंसेस है ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसमें वाटर स्कैरसिटी, जैसे हमारे पास प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ रीजन्स में पानी की जो है सप्लाई है वो इफेक्ट हो जाती है, पर्टिकुलरली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और एग्रीकल्चर पर्पस। एंड उसके अलावा सी लेवल राइज भी होता है, कोस्टल इरोजन होता है, इम्पैक्ट ऑन जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उन पे भी जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, कुछ हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं प्रेसिपिटेशन की वजह से, जैसे पोलर बियर्स जो कि आइस में रहना पसंद करते हैं तो ग्लेशियर्स में रहना पसंद करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, एंड देन डेफिनेटली देयर जो है हैबिटेट खतरे में है, एंड देन वो ख़त्म हो जाते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट्स जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह, जो भी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एक्सट्रीम जैसे हीट वेव में सर्वाइव करती हैं। देन रिलेटेड इलनेस जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन बेसिकली एक इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जिस जब भी सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो समंदर में समंदर की सरफेस से जो है गोल गोल जो है सर्कुलेशन ऑफ दिस क्लाउड्स होने लगता है एंड ग्रेजुअली दे प्रोसीड टू द लैंड, जैसे जो कि अरबियन सी में होता है या बंगाल में होता है। तो इसकी वजह से स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, फ्लड्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है। तो उसके अलावा ये नॉर्मल जो है जो डे टू डे लाइफ उसको भी अफेक्ट करता है, डैमेज ऑफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी भी करता है। उसके अलावा हमारे पास ड्राउट्स हैं, जो स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, ड्राउट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे एग्रीकल्चर ड्राउट, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, साइकोलॉजिकल ड्राउट, इकोनॉमिकल ड्राउट, तो ये सब लिंक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अलग अलग डिफिनीशन हैं अलग अलग ड्राउट्स की। देन अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्रीकल्चर ड्राउट इज़ लैक ऑफ सॉयल मॉइस्चर, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इज़ इन सफिशेंट रेन, तो इसकी वजह से हमारा जो क्रॉप फेलियर्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, वाटर शॉर्टेज होती है, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन जो है इंडस्ट्रियल पर्पस वो भी रिड्यूस होता है, लाइफ स्टॉक, फूड सिक्योरिटी वो भी थ्रेटन होती है। एक्सट्रीम इवेंट्स में फ्लड्स भी आता है कैटेगरी में। अगर आपको इन फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने डिजास्टर रिस्क, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कैसे इन प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है। तो बेसिकली फ्लड्स के ओवरफ्लो ऑफ द वाटर इन द वाटर बॉडीज, जिससे हमारे पास एग्रीकल्चर वगैरह जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, सब चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय होता है। उसके अलावा हमारे पास हीट वेव्स हैं जिसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव हाई टेम्परेचर्स होते हैं, पर्टिकुलरली प्री मॉनसून और समर सीजन में, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क्स होती हैं, इलनेस, फैटलिटीज होती हैं, हीट स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स होते हैं, और जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और वाटर की डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो अब हमारे पास क्या मेथड्स है कि हम क्लाइमेट चेंज और जो इसकी वेरिएबिलिटी हो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल द रिजर्वर फॉर द वाटर, ये सब चीज़ें डेवलप करना है, फॉर द फ्लड कंट्रोल, ड्राउट कंट्रोल, ये सब चीज़ें करनी हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रिगार्डिंग द साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट, ये भी होना चाहिए थ्रू द सिस्टमेटिक जो मीडिया है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग द हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, एंड देन इकोसिस्टम बेस्ड अडॉप्टेशन, पूरे इकोसिस्टम को अडॉप्ट करना, इन द सेंस कि उसकी अडेप्टेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द हाई टेम्परेचर्स।
देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, हर किसी बंदे को काम करना है फॉर द क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लाइमेट चेंज का जो कोर देखेंगे, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस. तो उस ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. देन वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, कैसे हम वाटर मैनेज करेंगे, वाटर मैन का मैनेजमेंट करेंगे, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी कैन गो फॉर द माइक्रो इरीगेशन, स्प्रिंगल और ड्रिप इरीगेशन. तो ऐसी मैनेजमेंट एक्टिविटीज से हम वाटर को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं. हेल्थ प्रिपेयरनेस, हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो प्रिपेयर होना चाहिए टूवर्ड्स द एनी काइंड ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, ड्राउट्स एंड साइक्लोन्स. देन हमारे पास जो अर्बन प्लानिंग होता है, अर्बन प्लान, अर्बन एरियाज में सबसे मेन प्रॉब्लम है स्टॉर्म वाटर, जो फ्लडिंग होती है पर्टिकुलरली इन द मानसून सीजन. तो बेसिकली हमारे जो अर्बन एरियाज है दे आर मोस्टली मेड ऑफ कंक्रीट, जिसकी वजह से जो है परकुलेशन ऑफ द रेनफॉल इज नॉट इन टू द ग्राउंड वाटर, तो उसकी वजह से फ्लडिंग होती है. तो अगर हम पहले ये प्लान करेंगे देन हमारी सिटीज स्मार्ट होंगी, देन वी कैन डेफिनेटली बी रेजिलियंट टूवर्ड्स द क्लाइमेट. देन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, दिस इज़ बेसिकली द मिटिगेशन मेथड, कैसे हम अपने जो है अपनी जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उनका इंश्योरेंस करेंगे, ताकि जब भी कोई ऐसी जो है क्लाइमेटी आए, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स, ड्राउट्स और फायर्स है, हीट वेव होता है, तो वहाँ पे हमारे घर इंश्योर्ड हो. देन रिसर्च एंड इनोवेशन, आगे और भी नए मेथड्स है जिससे हम जो है अडाप्ट कर सकते हैं, रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं टुवर्ड्स द राइजिंग टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाइमेट्स ऑफ द इंडिया, और कुछ मैंने इसमें ब्रीफ अप बता दिया कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें जो है रिलेटेड टू द क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, दीज आर और हीट वेव्स, दीज आर सम क्लाइमेटिक और मेट्रोलॉजिकल काइंड ऑफ द डिजास्टर्स. सो आई होप कि आप को ये पसंद आया. ये बहुत ही ब्रीफ लेक्चर था अबाउट द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.